क्या आप जानते हो कि इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक यह है कि हमें यह लगता है कि हम किसी चीज को खोज रहे हैं, लेकिन हकीकत में वह चीज भी हमें ही खोज रही होती है। जैसे कहा जाता है कि कोई शिष्य अपने लिए गुरु को खोजता है, तो उसके उल्टे गुरु भी अपने शिष्य को खोज रहा होता है। ठीक वैसा ही इस स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी होता है, क्योंकि इसको हम ही नहीं वह भी हमें ही खोज रही होती है। लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं? चलिए आज इसकी कुछ पहचान के बारे में जान लेते हैं। इसलिए अब अगर इसकी पहली पहचान की बात करें, तो अगर आपके अंदर विद्रोही किस्म की आदतें हैं, जिसमें आप किसी के भी सामने किसी बात पर इसलिए अड़ जाते हैं कि आप सही हैं, और भले ही आप गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरा पक्का लगता है कि आप ही सही हो, बाकी सारी दुनिया गलत है, तो आप समझ सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में ही जाकर रुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सेंटर तैयार होना शुरू हो गया है, जिसने आपकी परीक्षाएं लेनी भी शुरू कर दी है, जो आपको उन लोगों से बहस कराने के लिए मजबूर कर सकता है जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, या वे हकीकत में ज्ञानी ही हैं, लेकिन आपको अभी कुछ डाउट्स हैं उनके ऊपर। वे सारे डाउट्स हो सकता है अभी आपके क्लियर भी ना हो, लेकिन फिर भी हो तो सकते हैं, और वो किसी के भी प्रति हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए अब अगर इसकी दूसरी पहचान की बात करें, तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा सपने दिखाई देते हैं, और आप दिन में जागते हुए भी कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, और आपको लगता है कि आप एक दिन इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे, और अगले दिन आप फिर से ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके बस की कुछ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ अपनी ओर बुला रही है। क्योंकि जब आप अनस्टॉपेबल फील करते हो, तो उस समय आपकी सोल पावर में होती है, और जब आप अगले दिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा लो फील करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अपनी आत्मा से अपने दिमागी विचारों के कारण कनेक्शन लूज हो गया है। इसलिए अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, जहां से आप अपनी सोल के साथ हमेशा ही कनेक्शन बनाकर रख सके, जिसके कारण आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही होगा। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें, तो अगर आपके अंदर की सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, जिसमें कि आप हर किसी के इमोशंस और भावों को दूर से ही महसूस करने लगे हो, और इवन आपको दूसरे लोगों के मन के विचार भी बिल्कुल सही से समझ आने लगे हो, भले ही वे इंसान हो या जानवर, तो आप समझ सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं, और अब आपको इसकी गहराई को समझना बाकी है, क्योंकि बिना इसकी गहराई को समझे आप शायद ही अपनी स्पिरिट की पावर का सही से यूज कर पाएंगे। क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी में डीप जाए, आपको यह पता ही नहीं लग पाएगा कि कब आपकी सोल आपसे कुछ कह रही है, और कब आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा है। इसलिए आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना ही यह दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आज नहीं तो कल जाएंगे ही। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें, तो अगर आपको हर चीज के डीप में जाने की आदत हो गई है, चाहे वे किसी भी तरह का ख्याल या सवाल ही क्यों ना हो, और आपको केवल ऊपरी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको हर सिक्के के दोनों पहलू देखने ही होते हैं कि इसके पहली और दूसरी तरफ क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भी जर्नी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए शुरू हो गई है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको वह सब सच पता चलेगा जिससे आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। इसलिए अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें, तो अगर आपका मन अपने बारे में और अपने माइंड बॉडी और सोल की ताकत को पहचानने और उसको यूज करके बहुत कुछ पाने के लिए करने लगे, और इसके लिए भले ही आपको दिन रात बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़े या बहुत सी वीडियो लेक्चर के रूप में सुननी पड़े, लेकिन फिर भी आपका मन और भी ज्यादा सेल्फ नॉलेज को कंज्यूम करना चाहे, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ ही साथ ग्रोथ भी शुरू हो गई है, और ये अब आप पर और आपकी भूख पर डिपेंड करेगा कि आप कितने पर सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप पता करेंगे, उतने ही बड़े आप स्पिरिचुअल पर्सन बन पाएंगे, और मे बी आपका नंबर स्पिरिचुअल गुरु बनने का हो, कौन जानता है। यह बात तो आप खुद भी पहले से पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब ये सब हो जाता है तो बस हो ही जाता है। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें, तो अगर आप कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी से पूरी लाइफ नहीं चिपके रहना चाहते हैं, और आप बहुत से अलग अलग तरीके के काम इस लाइफ में करना चाहते हैं, जिन कामों का संबंध एक दूसरे से कहीं दूर दूर तक भी ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप इस तरह के ख्याल और सोच बनाओगे, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी। क्योंकि बिना स्पिरिचुअल लाइफ में जाए आप कैसे एक साथ इतने सारे अलग अलग रोल निभा पाओगे, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल लाइफ के तो लोग एक रोल भी रियल लाइफ में सही से नहीं निभा पाते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आज आप भी इन सब चीजों से अपने अंदर मिलान कर सकते हैं कि आपके अंदर इनमें से कितनी बातें हैं, और कितना मन आपका मेडिटेशन भक्ति आदि में लगता है, और कितना वक्त आप अपने आप को जानने के लिए लगाते हैं कि आप आखिरकार हो कौन। तो आज आप भी इसके बारे में बहुत कुछ समझ ही गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।